नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और सुपर टेक्निकल अशोक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि एडसेंस का CTR कैसे चेक करें। जी हाँ दोस्तों, गूगल एडसेंस का CTR चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो जो है हमारे चैनल के साथ में जो है यूट्यूब चैनल के साथ में जो है लिंक होता है। तो अगर हम दोस्तों उसका जो है CTR चेक नहीं करते हैं, तो उसका जो है अगर CTR बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, तो यूट्यूब है जो हमारा मोनेटाइजेशन, मतलब कि चैनल का जो है मोनेटाइजेशन अनेबल है, तो उसको जो है डिसेबल भी कर सकता है। और अगर जो है बहुत ही ज़्यादा CTR हो जाता है, तो YouTube अगर चाहता है तो आपके जो है एडसेंस को जो है परमानेंटली, मतलब कि हमेशा के लिए भी डिसेबल कर सकता है। उसके बाद में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और चैनल भी हमारे को बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसलिए ये CTR को जो है चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही भी बताने वाला हूँ कि आपको जो है आपका जो है CTR कितना होना चाहिए एडसेंस पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एडसेंस का जो है CTR कैसे चेक करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही नए टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूं। और घंटी का बटन भी दबा दें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं। और हमारे इस वीडियो के नीचे दोस्तों लाइक का बटन है, उसको भी ज़रूर दबा दें। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे को क्या करना है CTR चेक करने के लिए, कि आपको दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल में जो है नेट ऑन कर लेना है। और नेट ऑन करने के बाद में दोस्तों हमारे को जो है अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में दोस्तों हमारे को जो है ऊपर एक सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको जो है सर्च बार में ऊपर आपको दिखाई देता है, तो आपको जो है इधर एंटर कर देना है एडसेंस। इधर इतना सा आपको लिख कर सर्च कर लेना है। तो मैंने जो है इसको सर्च कर लिया है, और इधर हमारे सामने दोस्तों ऐसा एंट्री आ जाएगा। आप देख लीजिए, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, ये एडसेंस आया, एडसेंस का वेबसाइट आ चुका है। तो इधर हमारे को दोस्तों फर्स्ट वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाली वेबसाइट दिखाई दे रही है, google.com एडसेंस। तो आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है, जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है इसी पर आपको जो है क्लिक कर देना है। तो मैंने दोस्तों इस पर क्लिक कर दिया है, और इधर हमारे को दोस्तों ऐसा इंटरफेस आया है हमारे सामने। तो इधर हमारे को 3 लाइन दिखाई दे रही है ऊपर राइट साइड में ब्लू कलर में, तो आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इधर हमारे को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, और नीचे हमारे को एक दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो साइन इन का और एक साइन अप का। तो अगर आपने दोस्तों गूगल का एडसेंस का जो अकाउंट बना लिया है, तो आपको जो है साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो मेरा जो पहले से बनाया हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ साइन इन पर। साइन इन पर हम दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो है एडसेंस का जो है सेव रहता है पासवर्ड, अगर आपने सेव किया तो वो सेव ही रहता है, मेरे जो है इसमें सेव किया हुआ है। तो साइन इन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो ये जो है एडसेंस का जो है लॉगिन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉगिन एडसेंस में मेरा अकाउंट। ये देख लीजिए, ये मेरा चैनल का नाम ऊपर आ चुका है सुपर टेक्निकल अशोक, और ये जो है एडसेंस ओपन हो चुका है एडसेंस का अकाउंट। तो अब हमारे को दोस्तों एडसेंस का CTR चेक करने के लिए हमारे को इस पेज को जो है थोड़ा सा ऊपर उठाना है, और इधर हमारे को एक तीर का ऑप्शन मिलता है, तो ज़्यादा देखें इसके ऊपर ही लिखा हुआ है एक तीर का ऑप्शन। तो हमारे को जो इस पर क्लिक करना है तीर के आइकन पर। इस पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो इधर दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेता है, और इधर जो है एडसेंस का CTR और बहुत भी जानकारी, बहुत कुछ जानकारी हमारे को जो इधर देखने को मिल जाती है। तो इधर हमारे को थोड़ा सा वेट कर लेना है। ये देख लीजिए दोस्तों, बहुत कुछ जानकारी देखने को मिल जाती है। आप देख लीजिए, इंप्रेशन है, पेज CTR, CPC, क्लिक, बहुत सारी जानकारी है इधर। तो हमारे को जो पेज CTR चेक करना है, तो इधर दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि 6.31% CTR है, और ये दोस्तों इस हफ्ते का है, मतलब इस वीक का है CTR। तो अगर आपको जो आज का CTR देखना है, जैसे कि आज का CTR कितना है, और आपको दोस्तों आज का ही देखना है, हफ्ते का नहीं देखना है, क्योंकि हफ्ते की हमारे को ज़रूरत नहीं है, हमारे को जो आज का ही देखना है। तो आज का CTR देखने के लिए हमारे को दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। इस तीर के आइकन पर हम जैसे क्लिक करेंगे, ये अंतिम 7 दिन बनाम पिछले दिन 7 दिन, तो इधर हमारे को जो है आज के दिन अब तक, ये जो है इस पर क्लिक करना है। टू दिस डे, इस पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो आज का CTR दिखा देगा। ये देख लीजिए, आज का CTR इतना है 6.48, मतलब कि 6.5% इतना जो है CTR आज का है। तो ऐसे ही दोस्तों आप जो आसानी से गूगल एडसेंस का जो CTR चेक कर सकते हैं। और CTR दोस्तों लगभग 10% होना चाहिए, मतलब कि 10% होना चाहिए, इसके इससे ज़्यादा अगर होता है तो जो रिस्क हो जाता है चैनल पर। अगर जो है हफ्ते में एक दिन होता है, जैसे कि 6 दिन तो हमने चेक किया, तो उसमें जो है 7, 8, 9 तक जाता है, 10 जाता है। लेकिन अगर जो है 10 से ज़्यादा जाता है, जैसे कि 15 या 20 तक, अगर हफ्ते में एक बार जाता है ऐसे, तो परवाह नहीं है कुछ भी। और अगर जो है हफ्ते में, मतलब कि 3-4 दिन लगातार ऐसे रहता है, 2-3 दिन ऐसे लगातार रहता है, जैसे कि आज भी 15 है, कल भी 15 है, परसों भी 15 है, तो जो है चैनल का जो है रिस्क है बहुत ही। तो इसके लिए आपको दोस्तों एक काम करना होगा, कि आपको जो है अपने जितने भी वायरल वीडियो यूट्यूब पर, उसका जो है मोनेटाइजेशन अनेबल है, तो उसको जो है डिसेबल कर देना है। आप जो है
24 घंटे के लिए या फिर 12 घंटे बाद में आप वापस दीजिए CTR। अगर जो CTR कम हो जाता है तो आपको जो है वापस से उसका जो है मोनेटाइजेशन अनेबल कर दीजिए। तो ऐसे जो आप जो है CTR को जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी नई नॉलेज और कुछ जानकारी मिली होगी। तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, जैसे कि मेरे बारे में, वीडियो के बारे में या फिर चैनल के बारे में आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे वापस अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।